मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी का आज जन्मदिवस है। आज 25 सितंबर को उनका जो जन्मदिन है, उनकी परिवार के पार्टी के जो लोग हैं वो सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़ी हस्ती थी। हरियाणा में उन्हें ताऊ के नाम से पुकारा जाता है। उनमें बचपन से ही संघर्ष का मादा कूट कूट भरा हुआ था, इसलिए बचपन में उन्होंने जहां अपने स्कूली जीवन में मुजारों के बच्चों के साथ रहकर नायक की भूमिका निभाई, इसके साथ ही महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह जी के जीवन से प्रेरित होकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया। 1962 से 1966 तक हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनवाने में निर्णायक भूमिका उन्होंने निभाई। 1970 से 1989, 1987 से 1989 तक हरियाणा प्रदेश के ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने इस दौरान जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। इन्हीं नीतियों को बाद में दूसरे राज्यों ने अपनाया, केंद्र की सरकारों ने अपनाया। इसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने ठुकरा दिया, बहुत बड़ी मिसाल दी और भारतीय राजनीतिक इतिहास में त्याग का नया आयाम उन्होंने स्थापित किया। विताउम्र देश और जनता की सेवा करते रहे किसानों के मसीहा के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। संयुक्त पंजाब के समय वर्तमान हरियाणा, जो इस समय पंजाब का हिस्सा था, विकास के मामले में भारी भेदभाव हो रहा था। उन्होंने इस भेदभाव को न सिर्फ पार्टी मंच पर निरंतर उठाया बल्कि विधानसभा में भी आंकड़ों समेत यह बात रखी और हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, यानी कि आवाज़ उठाई। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया और प्रदेश के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले चौधरी देवीलाल को हरियाणा के निर्माता के तौर पर कहा जाने लगा। 25 सितंबर 1914 को उनका जन्मदिन हुआ था और 6 अप्रैल 2001 को उनका स्वर्गवास हो गया था। हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से भी वो प्रसिद्ध हैं। हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक थे जो कि 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे दो बार 21 जून 1970 से लेकर 28 जून 1989 तक तथा 17 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक वो प्रदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस को आज जननायक पार्टी जनता पार्टी की ओर से एक सम्मान दिवस के रूप में अपनाया गया। इस कड़ी में आज करनाल के देवीलाल चौक पर जननायक जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान सभी ने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इसके उपरांत श्री सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट पर एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें जननायक जनता पार्टी गुला चीका के विधायक ईश्वर सिंह मुख्य रूप से वहां पहुंचे और उन्होंने रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की हौसला अफजाई भी की। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी गोराया, इंद्रजीत सिंह जी गोराया के नेतृत्व में ही यह आज कार्यक्रम करनाल में किया गया था। हाल ही में पार्टी के आला नेताओं ने इंद्रजीत सिंह गोराया को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। वह बड़े ईमानदार छवि के नेता हैं और नीलोखड़ी विधानसभा में उनका घर है और पिछले कई सालों से निजी तौर पर भी मैं उनको जानता हूँ। बड़ा ही उनमें प्रेम सद्भाव है और वह प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलते हैं, ये उनमें बड़ी खासियत है क्योंकि वो नीलोखड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और मैंने नज़दीकी से उनकी राजनीति को सराहा भी है, देखा है। और अब उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि वह इस पद को भी बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से निभाएंगे और पार्टी ने जो उनके प्रति जो जज्बा बरकरार रखा है उसे भी बरकरार रखें। आज के कार्यक्रम में इंद्रजीत जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गुराया के अलावा
जो इनके नेतृत्व में आज कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा प्रेम सिंह शाहपुर जी वहाँ थे, इनेलो के इनसो के जिला प्रधान राहुल तोमर, राजेंद्र मदान रामा, अलावा बड़ी तादाद में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया उसमें आज युवाओं ने रक्तदान किया। तो देखते रहिए समाचारों के लिए लगातार समाचार एक्सप्रेस। सम्मान दिवस मनाया चौधरी देवीलाल जी का, उपलक्ष्य के अंदर हमने सब इकट्ठे होकर के और जिले के सारे हमारे कार्यकर्ता थे और जो आदमी हम धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया, ब्लड जो यूनिट इकट्ठी करी और बीमार आदमियों को जो जीवन दान है किस्म का वो दिया, तो पौधारोपण भी हुआ और फूल अर्पण किए गए चौधरी देवीलाल जी के चरणों में। तो आज का कार्यक्रम हमारा उनके सम्मान दिवस के रूप में था। कुछ संदेश देना चाहेंगे इस अवसर? संदेश यही हमारा कि भाईचारे से रहें लोग और एक दूसरे का जो है ना मान सम्मान के साथ प्यार से रहें। चौधरी देवीलाल जी का भी यही जो है ना फरमान था। बहुत बधाई। हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में ताऊ देवीलाल जी का 107वां सम्मान दिवस के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप लगा के पहले अपना देवीलाल चौक देवीलाल के वहाँ पे यज्ञ का काम कार्यक्रम शुरू था, उसके बाद ब्लड डोनेशन का काम था। ये पूरे हरियाणा प्रदेश में मनाया जा रहा है 107वां सम्मान दिवस। तो और जिलों में किस तरह कार्यक्रम? इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे अपना चीका से ईश्वर सिंह विधायक ने शिरकत की और उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का 107 यूनिट देने का काम पूरे हरियाणा प्रदेश में ये ताऊ देवी सम्मान दिवस में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.